जहां पर कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल पर मामला दर्ज किया गया है। भगवान शिव पर आपत्तिजनक टिप्पणी का एक वीडियो वायरल हुआ था और वीडियो सामने आने के बाद राजनीतिक हलचल भी शुरू हो चुकी थी। तो अब ऐसे में विधायक बाबू जंडेल की यहाँ पर मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि उनके ऊपर मामला दर्ज किया गया है। तो धार्मिक भावनाएं पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है और इस आरोप में उनके ऊपर केस दर्ज किया गया है। तो बड़ी संख्या में हिंदू संगठन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मामला दर्ज करवाया है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो कोगंज थाना पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो बड़ी संख्या में हिंदू संगठन से जुड़े हुए जो लोग थे, हिंदू संगठन से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता थे, वो थाने पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने केस दर्ज करवाया है। तो बता दें कि हाल ही में बाबू जंडेल का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो भगवान के लिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। विधायक है बाबू जंडेल, उसने शिव हमारे आराध्य भगवान शिव जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी की। उसके लिए जब मैंने ये वीडियो देखा, मैं ऑफिस में बैठ के, तो मैं बहुत आहत हुआ और मैं FIR करने आया तो TI साहब बोलते हैं कि मैं वरिष्ठ अधिकारियों से बात कर रहा हूँ। उसके बाद वो नकारने लग गए कि इंदौर कहीं भी इंडिया में FIR होगी। उसके बाद ये हमारा संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रहे थे प्रशासन। जब हमारी मांगे नहीं करी तो प्रदर्शन करने पर हमको मजबूर होना पड़ा, तो ये FIR कर दी। प्रशासन ने हमारी मांगे मान ली है। कुछ वकील साहबान हैं, कुछ हिंदू संगठन के लोग हैं, उनके द्वारा ये घटना संज्ञान में लाई गई है। एक आवेदन दिया गया है कि शिवपुर विधायक हैं बाबू सिंह जंडेल, उनके द्वारा कुछ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए उनकी धार्मिक भावना को आहत करने वाली बात बोली गई है और शिव जी के संबंध में कुछ कुछ बातें बोली गई हैं, लेकिन आवेदन दिया गया है जिसमें से प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और जल्दी उनको वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी भारत पाटिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारत अभी हम पूरा मामला तूल पकड़ चुका है, ना सिर्फ राजनीतिक संगठन, इसी के साथ ही अन्य जो सामाजिक संगठन है वो भी एक्टिव हो चुके हैं। जिस तरह से हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता पहुंचे, ना सिर्फ हंगामा किया बल्कि अब बाबू जंडेल की यहाँ पर मुश्किलें भी बढ़ती हुई दिखाई देंगी। देखिए, वाकई शोपुर के विधायक की अगर बात की जाए, कांग्रेस विधायक के द्वारा एक बयान जो है वो सामने आया था, वीडियो वायरल हुआ था और उसके बाद में कहीं ना कहीं तमाम जो संगठन है या फिर भारतीय जनता पार्टी जो है इस पूरे मामले को बुलाना चाहती है। इस तरह का धार्मिक उनकी आहत हुई है, उसे ठेस पहुंचा है और वाकई भगवान शिव पर जो अभद्र टिप्पणी की थी उसको लेकर के जब वीडियो सामने आया था, अब बजरंग दल और हिंदू संगठन के लोग भी बड़ी संख्या में पहुंचे थे। देर रात काफी हंगामे के बाद आखिरकार पुलिस ने BNS की धारा 302 और 293 में बाबू जंडेल के खिलाफ जो है वो अपराध पंजीबद्ध किया है और इस पूरे मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। तो अलग अलग स्थानों पर इस वीडियो को लेकर के आपत्ति जताई गई है, चाहे वो सामाजिक संस्थान हो या फिर अन्य संस्थान हो, उनके द्वारा इस पूरे घटनाक्रम के बाद सामने आने के बाद में अब जो है उचित कार्रवाई की मांग की जा रही है। इंदौर के तुंगर थाना क्षेत्र में बाबू जंडेल के खिलाफ जो है प्रकाश अपराध पंजीबद्ध हो गया है और ये अपराध जो है विवेचना की जा रही है। हिंदू का मानना था कि उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची, भगवान शिव पर अभद्र टिप्पणी करने वाले पर उचित कार्रवाई की मांग को लेकर चक्का जाम भी हुआ थाने पर, सुंदरकांड भी किया गया। उसके बाद में काफी मशक्कत के बाद आखिरकार पुलिस ने बजरंगल के कार्यकर्ताओं को समझाया और FIR जो है बाबू जंडेल के खिलाफ दर्ज की है और आगे की जाँच जो है वो की जा रही है। ठीक है, लगातार नजर बनाए रखिएगा, भारत अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।